झारखंड का गढ़वा जिला अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय। नया साल का समय है और पिकनिक मनाने और घूमने का सिलसिला जारी हो गया है। यदि आप भी घूमना चाहते हैं तो झारखंड के गढ़वा जिला आने का प्लान बना सकते हैं। रांची से करीब 210 किलोमीटर, वाराणसी से 200 किलोमीटर, पटना से 240 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 350 किलोमीटर दूर है गढ़वा जिला। गढ़वा रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा आया जा सकता है। आइए यहाँ के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। गढ़वा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बंसीधर नगर में स्थित 1280 किलोग्राम से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा अति सुंदर एवं अद्वितीय है। देश व विदेश के पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। भगवान कृष्ण के दर्शन के बाद आप अपना इरादा राजा पहाड़ी जाने के लिए बना सकते हैं। यह बंसीधर मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर दूर अवस्थित है। इस पहाड़ पर भगवान शिव का मंदिर स्थापित है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह स्थल दार्शनिक तो है ही, साथ में यहाँ की प्राकृतिक छटा भी निराली है। गढ़वा मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर और बंसीधर नगर से 25 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा कन्हर नदी का सुखल दरी जलप्रपात, खासकर पिकनिक स्पॉट के लिए यह स्थल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश वासियों के बीच काफी प्रसिद्ध है। आस्था और भक्ति का केंद्र है केतार स्थित माँ चतुर्भुजी भगवती मंदिर। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर वैशाख मास के पूर्णमासी तक एक महीने तक चलने वाले मेले का भव्य आयोजन मंदिर परिसर में प्रत्येक वर्ष होता है। पहाड़ों को चीरते यह रास्ता केतार मंदिर की ओर जाता है। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड स्थित सतबहिनी मंदिर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी खूबसूरती के लिए यह झरना प्रसिद्ध है। पर्यटक स्थल पर दिसंबर और जनवरी महीने में लोगों की भीड़ उमड़ती है। गढ़वा मुख्यालय स्थित शहर वासियों के लिए श्रद्धा का वह केंद्र है जहां आस्था और विश्वास का समावेश है। नवरात्र के समय यहां की खूबसूरती देखने को बनती है। गढ़वा का छठ पूजा झारखंड के लिए अनुपम उपहार है। गढ़वा शहर से थोड़ी दूर स्थित अनराज डैम, यहाँ का नयन भीराम दृश्य सैलानियों को बरबस अपनी ओर खींचता है। आप भी 2 दिनों की योजना गढ़वा जिला में घूमने के लिए बना सकते हैं। देखो हमारा झारखंड।